Gentlemen, Usha Martin University Cricket Ground, Ranchi. Bajgaon Dock versus NLC. That is the second match of today. और सबसे पीछा कर रहे हैं इसलिए शुरुआत होनी बहुत जरूरी है और इसी बीच तीन गेंद बोल किया और एक से सफल नहीं हुई गेंदबाज को आगे आगे शॉट बनाना चाह रहे थे लेकिन क्रॉस क्रॉस कर गए इसके कारण और सोलिस की सजा के लगे लगी सोलिस की गेंद का पतन फुल टॉस गेंद को उठा के खेल दिया और ये सीधी बाउंड्री के बाहर चार रन पूरा फायदा आउट छह रन अंपायर का इशारा छह रन अच्छी गेंद और ये ओवर अच्छी कैच रवि जेवा द्वारा काफी अंतराल बाद विकेट गेंद बिल्कुल ऐसी स्टंप टू स्टंप बोल रखी सामने मारना चाह रहे थे और एक और ये काफी अच्छी कैच एनएलसीएल के फील्डर द्वारा लगातार दूसरा विकेट यहां तीसरा विकेट गिरता हुआ 86 रन के स्कोर पे जिसके कारण और ये दूसरा लेना चाह रहे थे रन आउट का चांस हो सकता है यहां पर दोनों शायद बैट्समैन को थोड़ी चोट लगी काफी अच्छा थ्रो किया यहाँ पे एक और विकेट का पतन एमडीएस के द्वारा गेंद को उठा दिया सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव अंपायर का इशारा छह रन इस टूर्नामेंट का दूसरा छक्का एमडीएस के बल्लेबाजों द्वारा गेंद को उठा दिया गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा छह रन फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया था और ये अंपायर का इशारा छह रन फिर फुल टॉस गेंद को फिर खेल लिया और इसी बीच एक विकेट का पतन गेंद के ऊपर से खेलना चाह रहे थे बाउंड छह रन के लिए लेकिन शायद लगता है कि बॉल थोड़ी बैट के ऊपरी हिस्से में लगी और ये क्लीन बोल्ड अगली गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड मारना चाह रहे थे गेंद को बिल्कुल लाइन पर लेंथ पर रखा और मिडिल स्टंप पर जाके गेंद टकराई और एक और विकेट काफी अच्छी गेंद थी हैट्रिक तो नहीं बना पाए लेकिन एक डॉट बॉल निकालने में कामयाब रहे प्रशांत कुमार और ये पहला झटका चार रन के निजी स्कोर पे एक विकेट पहले ही ओवर की समाप्ति पर और अपने एक और विकेट का पतन काफी अच्छी डाई लगाकर कैच किया एमडीएस के विकेट कीपर द्वारा आगे बढ़ के गेंद को उठा दिया गेंद काफी ऊंची और उसके नीचे फील्ड और एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन काफी आक्रामक मूड में खेल रहे थे कैप्टन सुरजीत साहू 4-6 पहुंच चुका है और ये क्लीन बोल्ड एक और विकेट बैट का अंदरूनी किनारा लगा इस ओवर में एक विकेट भी चट चुके हैं अमित पाटिल अपील और अंपायर द्वारा कैच आउट एक विकेट विकेट के बाद विकेट का पतन होते हुए आगे बढ़ के गेंद को खेल लिया गेम आसमान की तरफ जाती हुई और ये अंपायर के इशारा देखना पर 6 रन एनएलसीएल के द्वारा पहला छक्का और स्कोर बढ़ता हुआ छक्के के साथ तेजी से बढ़ता हुआ 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहां पे विकेट देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी एनएलसीएल के बल्लेबाजों ने कदमों का इस्तेमाल किया जोरदार शॉट हवा में बॉल है और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे बॉल पहुंची है 6 रनों के लिए इस बार फील्डर मौजूद थे कोई गलती नहीं की बॉल को पुल करने की कोशिश की थी
स्टोक के पीछे पूरी ताकत नहीं लगा पाए और छठा विकेट गिर गया एनएलसी की टीम का। देखिए किस तरीके से हार मान चुके हैं, पहले से ही ऐसा लग रहा है वो हार स्वीकार कर चुके हैं। एक और एलपीडब्ल्यू की अपील और आउट, और एलपीडब्ल्यू की अपील और ये आउट। अब तो ये देख पाना होगा कि 20 ओवर पूरे खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे एनएलसीएल के बल्लेबाज। एक विकेट के बाद एक विकेट गिरता चला गया, काफी अच्छा शॉट खेला यहाँ पे, और ये छक्का गगनचुंबी छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन 107 रन कि निजी योग पे मोहन जी। और इसी बीच एक और रन आउट, नौवां विकेट का पतन